हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोनिका सोल फ्रॉम एमी इंटरनेशनल स्कूल नया गाँव। टुडे वी विल बी लर्निंग द चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, चैप्टर थर्ड, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, पार्ट वन। यस, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। वी विल बी लर्निंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, फैक्टर्स इफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर। नाउ फर्स्ट द इंट्रोडक्शन। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। दे एग्जिस्ट इन द बायोस्फियर, अ प्लेस वेर द लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड एटमोस्फियर मीट। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ अपन बहुत वैल्यूबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो अपन को कहाँ मिलते हैं, अपने बायोस्फीयर में मिलते हैं, जो जिससे जैसे लिथोस्फीयर लैंड से, जो लैंड वाले जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, एंड द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो वी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर द एनिमल्स एंड द वाइल्ड लाइफ एंड द प्लांट लाइफ विच वी फाइंड इन द वॉटर इन द सी एंड द एटमोसफियर। यर दीज थ्री वैन दे मीट एंड दीज आर ऑल नेसेसरी फॉर द नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के क्या फ़ायदे हैं? द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज इमेंस इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन्स। प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन। प्लांट्स हमको क्या देते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। टाइटन्स ऑफ डेली यूज फूड इन द फॉर्म्स ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा एंड अदर आर्टिकल्स लाइक टिम्बर, फायरवुड, रेसिन एंड मेडिसिन। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सारी अपन को प्लांट लाइफ से मिलती हैं। बिसाइड्स प्लांट्स चेक सॉइल इरोजन, कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग एंड प्रिवेंट फ्लड्स। प्लांट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दे कंट्रोल the global warming and they prevent floods. They also support the livelihood of a number of tribal communities and forest dwellers. Nature and its forests also provide home to the wildlife. Nature और forest अपने को wildlife को क्या करती है? उनको एक घर मिलता है उनसे। अगर अपन ये natural vegetation, अगर अपन forest को destroy कर दें, तो where the animals will live, where they'll get the shelter. So animals provide us with milk, meat, animals, eggs, honey, fur, feather and hide. They are used for, now ये सारी जो चीज़ें हमको provide करते हैं, animals provide जो हमको करते हैं, वो हमको कहाँ? So now see this, plowing. Now plowing क्या है? जब अपन ये लाइक ऑक्स है, बुल है, जो हमको खेतों में काम आता है फॉर प्लाइंग। बैलगाड़ी होती है, जो अपन के जो बर्डन, अपन को जो सामान इधर से उधर गांव में, विलेजेस में जब करना होता है, सो दे हेल्प इन दैट। एंड एज अ बीस्ट ऑफ बर्डन। बीस्ट ऑफ बर्डन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमारे जो सामान को लोड करके लेके जाते हैं, लाइक हॉर्सेज आदे, डोंकीज आदे, इनको बीस्ट ऑफ बर्डन बोलते हैं। कैमल्स आदे, क्योंकि वो उनको अपन जब कार्ट में जब जोड़ देते हैं, सो दे कैरी आर लगेज इन एवरीथिंग एंड दे गो इन द विलेजेस। और प्लाउइंग में खेतों में तो बहुत ज़्यादा काम आते हैं एनिमल्स। डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड ह्यूमस टू मेक द सॉइल फर्टाइल। एनिमल्स हेल्प इन मेंटेनिंग अ बैलेंस इन इकोसिस्टम थ्रू फूड चेन एंड फूड वेब। एनिमल्स हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में काम आता है। द इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। जो इंटरेक्शन प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में है विद द एनवायरनमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन। अब फैक्टर्स कौन से हैं जो नेचुरल वेजिटेशन को इफेक्ट करते हैं? Now, natural vegetation refers to the original vegetation of an area growing within without any human interference. The growth of natural vegetation depends on climatic factors like temperature and moisture, because plants require air, sunlight, water and nutrients to grow. There is a wide variety in natural vegetation because the factors influencing the growth of plants vary from place to place. These factors are as follows. Ab jo bhi factors, dekho, sunlight, air, water, sari, these are the needful for the natural vegetation. Climates pe bhi, क्लाइमेटिक फैक्टर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है वेजिटेशन के लिए। और देखो, कुछ जगहों पे, हर जगह पे सेम क्लाइमेट, सेम कंडीशंस नहीं रहती है ना, सो दैट चेंजेस। तो रिलीफ ऑफ द लैंड, एक तो लैंड कैसा है, फर्टाइल है या नहीं है, क्लाइमेट, द क्लाइमेट इज सूटेबल फॉर विच टाइप ऑफ प्लांट, temperature and moisture, human factors, economic development of a region, economic development of the region, human factors जो है जी, कैसे वो development कैसा हो रहा है उस area में। Now classification of natural vegetation. Natural vegetation can be classified into forests, grasslands, shrubs, deserts and tundra vegetation. इस तरह से अपन इनको natural vegetation को classify कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। Now here we'll read about the classification which I have told you. Let's see what we are going to read about this. Natural vegetation जो हमने पढ़े थे अभी, जैसे कि forest है,
सबसे पहले जो आता है वो फॉरेस्ट आता है. फॉरेस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज क्लस्टर्स ऑफ ट्रीज ग्रोइंग क्लोज टुगेदर. समटाइम्स द ट्रीज ग्रो सो क्लोज टुगेदर दैट द टॉप्स फॉर्म अ कॉनी कैनोपी फ्रॉम विच इवन सनलाइट कैन नॉट पेनिट्रेट. फॉरेस्ट ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड आर नॉट फाउंड इन वेरी कोल्ड रीजन. दे कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली इन टू टाइप्स, एवरग्रीन डेसिडियस फॉरेस्ट. हाउएवर दीज ब्रॉड वेराइटीज हैव सेवरल सब ग्रुप्स. अब ये जो फॉरेस्ट हैं देखो इनको ये क्या है, ये नेचुरल होती है ना, इनको ह्यूमन मेड नहीं है, मैन मेड नहीं है, ये नेचुरली ग्रो होती है. और कुछ फॉरेस्ट ऐसी होती है जो एक कैनोपी फॉर्म कर देती है. कैनोपी का मतलब होता है एक शेल्टर सा फॉर्म कर देती है वेर द सनलाइट कैन नॉट पेनिट्रेट डायरेक्ट टू द ग्राउंड. नीचे तक वो पेनिट्रेट नहीं हो पाती है, एक छत जैसी बन जाती है जिससे वो क्लस्टर होता है, बहुत बहुत घनी जो फॉरेस्ट होती है जहाँ पर सनलाइट नीचे तक नहीं पेनिट्रेट हो पाती. सो दीज आर द रीजन. तो दो तरह की फॉरेस्ट आपको मिलेगी, एक तो एवरग्रीन है, डेसिडियस फॉरेस्ट है, एंड अदर वेराइटीज ऑल्सो वी विल फाइंड इन द फॉरेस्ट. नाउ दिस एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ हमेशा 12 महीने हरियाली रहती है, द पतझड़ वगैरह नहीं होता वहाँ पर. दैट प्लेस एवरग्रीन फॉरेस्ट ड्राइव द नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट द ट्रीज डू नॉट शेड लीव्स इन एनी पर्टिकुलर सीजन. द ट्रीज नेवर शेड लीव्स ओवर ईयर. थस दीज फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. एवरग्रीन फॉरेस्ट आर डिवाइड इन टू 4 सब ग्रुप्स. अब एवरग्रीन फॉरेस्ट को 4 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. एक तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर कॉमनली फाउंड इन द इक्वेटोरियल रीजन्स लाइक द अमेजोन एंड ओरिनोको रिवर बेसिन इन साउथ अमेरिका, ज़ेयर बेसिन इन अफ्रीका, द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज नेमली इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, न्यू गिनिया एंड पार्ट्स ऑफ फिलीपींस. दे हैव हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. यहाँ पर आपको हमेशा हॉट एंड वेट क्लाइमेट मिलेगा और ये वाले जो रीजन्स हैं वहाँ पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगी. देन These forests mostly have hardwood. यहाँ की जो wood होती है which we get there, that is hardwood trees that are tall and dense with broad leaves. यहाँ के जो trees होते हैं वो tall होते हैं, dense होते हैं, यानी कि sunlight can't penetrate, और leaves जो होते हैं वो बहुत broad होते हैं. And often these tall trees from overhead canopies. ये मैंने जो बताया था आपको, एक shelter सा form हो जाता है because वो घने होते हैं तो they are joined together and they form like a shelter over there. Trees here are found at various heights giving rise to stories or different levels of vegetation. These trees include mahogany, ebony, cinchona, rosewood and rubber. As these forests are dense, they do not allow sunlight to penetrate the grounds, giving rise to damp ground covering with mosses. अब इस वजह से, इस घनेपन की वजह से क्या होता है, dense होते हैं ना ये, तो sunlight can't penetrate and that is why the ground is damp. बहुत गीला वेट ग्राउंड होता है वहाँ पर एंड मॉसेस फॉर्म हो जाते हैं उसके अंदर. एंड देन कम्स द मॉसेस एंड द लिचेंस. लिचेंस भी वहाँ पर फॉर्म हो जाती है. क्लाइंबर्स जाइंट क्रीपर्स कॉल्ड लियानास ग्रो हियर. इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अ लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन अ स्मॉल एरिया मेकिंग कमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉरेस्ट डिफिकल्ट. अब यहाँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत सारी स्मॉल एरियाज में कमर्शियल यूटिलाइजेशन फॉरेस्ट का बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस डेंसनेस. पीपल दे कांट गो देयर इजीली. टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसी होती है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड अलॉन्ग द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द वार्म टेम्परेट रीजन. दीज इंक्लूड साउथ चाइना, साउथ जापान, साउथ ईस्ट ब्राजील, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट यूएसए. हियर द समर्स आर वेरी हॉट एंड एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल. यहाँ पर समर्स वेरी हॉट होती है एंड दे एक्सपीरियंस वेरी वेरी हैवी रेनफॉल. And a mixed variety of hardwood. Here we will find mixed variety of hardwood trees that grow here provide valuable timber. The trees from found here are oak, pine, walnut, mulberry, eucalyptus, wattle, camphor and bamboo. And wolf, antelope, bear and deer are the animals found over here. These are the animals which we found here. Now comes the Mediterranean forests. Mediterranean forests are found in both the hemispheres on the western margin of the continents, in the area surrounding the Mediterranean Sea, southern Europe, Portugal, Spain, Italy, South France, Yugoslavia, Turkey and Greece. West Asia, that is Cyprus, Israel, Lebanon and Syria. California, Central Chile, South Africa, Southern Australia, South America and Northwestern Africa, Morocco, Algeria and Tunisia. Summers are dry and winters are rainy here. यहाँ पर summers कैसी होती है, dry होती है and winters are rainy. And these are the places where you find the Mediterranean forests. So this you have to learn that where you find the Mediterranean forests and all that which I have read about it. Now
Here you will find the trees over here are of medium height. Some of them have special adaptive features like thick barks, small waxy leaves and long roots to combat the summer heat. यहाँ की जो long roots है ना, summer की जो heat होती है जिससे पानी सूख जाता है, so that protects it because of the long roots that they get water from that. Olive, oak, cork oak, fig, laurel, pine, fir, cedar, cypress and citrus fruits like orange and lemon grow here. And grape vines are common too. Wolves, fox, wild boars, rabbits, vultures and eagles are the common animals seen over here. These are the animals, grape vine यानी कि अंगूर के जो creepers होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे. Then comes the coniferous forest. Now coniferous forest जो होती है वो आपको ज़्यादातर where the snow fall, that area you will find these set. The conical shape, cone shape के trees होते हैं वहाँ पर, and popularly known as taiga coniferous forest are found between 55 degree and 70 degree latitude in both hemispheres. They include South Canada, South Alaska, Norway, Sweden, Poland, Finland, North Russia and Siberia. Temperature is low here all year round. यहाँ का temperature low होता है, ठंड होती है, तो snow fall होता है. Because of that, they have the trees over here are cone shape. That is why the name is coniferous forest. The trees are tall and straight with small needle-like leaves. They provide soft wood useful for making furniture. यहाँ की जो wood होती है बहुत soft होती है and which is used for furniture making. Like matchsticks, paper, newsprint and sports accessories इस वाली wood से easily बन सकती हैं. These trees include pine, fir, spruce and cedar. Silver fox, mink and black and brown bear are the animals that we can see over here. Then comes the deciduous forest. Now deciduous forest derive the name from the fact that the trees found here shed their leaves during a particular time of the year, usually during the dry season. अभी तक हमने tree shed वाली जो बात नहीं सुनी थी, now in deciduous forest यहाँ पर leaves गिरते हैं, यानी कि पतझड़ होता है. सो दे शेड देयर लीव्स ओवर हियर एंड व्हेन द ड्राई सीजन इज देयर दैट टाइम दे डू दैट. डेसिडियस फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप्स, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट. डेसिडियस फॉरेस्ट को भी दो ग्रुप में डिवाइड किया है, एक तो ट्रॉपिकल है और एक टेम्परेट. नाउ हियर वी विल लर्न अबाउट द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द रीजन्स दैट हैव मॉनसून क्लाइमेट. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में मॉनसून क्लाइमेट होता है. दीज फॉरेस्ट आर पॉपुलरली नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट. इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है. दे आर फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, श्रीलंका, नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, साउथ चाइना, सेंट्रल अमेरिका एंड पार्ट्स ऑफ ब्राजील. दे एक्सपीरियंस मॉनसून क्लाइमेट विथ alternate dry and wet spells. Alternate dry और wet spell यहाँ पर आपको देखने मिलेगा. These forests are less dense than rainforests. Their trees are of medium height and shed their leaves in the dry season. They have commercial value and include teak, sal, sandalwood, bamboo and eucalyptus. यहाँ पर commercial जो trees हैं वो आपको मिलेंगे, जो जो बहुत सारा अपन को money we can get from these type of trees. There is a dense undergrowth of bushes and shrubs in these forests. Tropical forests have a wide range of wild animals and reptiles, crocodiles, snakes, anacondas, colorful birds, monkeys, orangutans, tigers, leopards and rhinoceros. These are the animals which we find in over here. Then comes a temperate deciduous forest. Temperate deciduous forests are found in the cool temperate region in the eastern and western margin of the continents. They cover Northeast USA, Northwest Europe, British Isles, Norway, Sweden, Finland and Russia. Northern parts of China and Japan, North and South Korea, southern part of Chile and New Zealand. Temperate deciduous forests are named so because the temperature here is temperate or moderate. यहाँ का नाम इसलिए रखा है क्योंकि वहाँ का temperature temperate रहता है या फिर moderate रहता है. These forests receive 30 to 60 inch of rainfall. Over here we'll get that type of rainfall every year. And they are ranked second only the rainforest as the rainiest biome. इस एरिया को second number पे है वो, as it is called rainiest biome. Although the average temperature is 50 degree Fahrenheit, winter year typically has temperatures below freezing. Winters में below freezing भी temperature पहुँच जाता है. The trees of the temperate deciduous forest have leaves that change color with the season and eventually fall to the ground during winter. The vegetation includes like large oak, maple, beech, chestnut, hickory, elm, basswood, linden, walnut and sweet gum trees. Shrubs like rhododendrons, azaleas, mountain laurels, huckleberries, lichens, club mosses and true mosses are found here.
ब्लैक बियर्स, वुल्स, कयॉट्स आर द कॉमन एनिमल्स दैट लिव इन द टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट. दीज आर द एनिमल्स विच वी फाइंड इन द टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट. सी दीज आर द क्लब मॉसेस, द पिक्चर इज गिवन ओवर हियर. सो यू हैव टू रीड दिस दैट विच क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट. थैंक यू.